नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 67वां एपिसोड। आज है 15 सितंबर 2020 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2020 को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें निकल कर आई है। साथ ही दोस्तों, कल जो पाकिस्तान ने हिमाकत की थी ना आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग को बैन कर, उसका जवाब भी सौरव गांगुली की तरफ से आ गया है और उसको लेकर भी बड़ी अपडेट्स हैं। सारी खबरें इस वीडियो में बताएंगे, इंटरेस्टिंग वीडियो है, एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक के बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की पहली बड़ी खबर की, तो ये आ रही है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से। दोस्तों, सीएसके की टीम में पहले भी कोरोना का विस्फोट हो चुका है और एक दफा फिर कोरोना का ब्लास्ट हुआ है। दरअसल दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स के दो खिलाड़ी पॉजिटिव आए थे, दीपक चहर और ऋतुराज गायकवाड़। उसके बाद दोस्तों, दीपक चहर की जो रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आ गई थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की अभी की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आ गई है। मतलब फिर से पॉजिटिव हो गए हैं ऋतुराज गायकवाड़। ये कहा जा रहा है कि जब वो पॉजिटिव हुए उसके बाद से वो नेगेटिव हो ही नहीं सके और फिर से उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया है। आज उनका टेस्ट हुआ है, अब रोजाना उनका टेस्ट होगा, उन्हें स्कैनिंग में रखा गया है। अच्छी खबर नहीं है चेन्नई के लिए, क्योंकि जो सुरेश रैना है वो चले गए हैं और इन्हें अब बल्लेबाजों की जरूरत भी है, प्रैक्टिस के लिए भी और आईपीएल के लिए भी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से। मुंबई इंडियंस की टीम के साथ यूएई पहुंचे हैं अर्जुन तेंदुलकर। दरअसल दोस्तों, इस बात की पुष्टि हो गई है कि मुंबई की टीम के साथ अर्जुन तेंदुलकर और इंडियन अंडर 19 के ऑलराउंडर अथर्व अंकोलेकर, ये दोनों प्लेयर्स दोस्तों जो है वो पहुंचे हुए हैं। माफ कीजिए अगर मैं नाम सही से नहीं ले पाया, लेकिन ये दोनों ही प्लेयर्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव में मुंबई की टीम में खेल सकते हैं। ये बात हम पिछले दो साल से आपको कह रहे हैं कि अगर अर्जुन तेंदुलकर आईपीएल में आते तो वो मुंबई के साथ ही जुड़ेंगे, और इस बात की एक तरह से तस्दीक हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी चेन्नई ने एक नेट बॉलर को अपनी टीम में डाला है और अब ऐसा हो सकता है कि अर्जुन तेंदुलकर अगले साल आईपीएल में मुंबई का हिस्सा बन जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा ओडीआई 16 सितंबर को खेला जाएगा और इस ओडीआई के लिए सौरव गांगुली ने अपनी टीम बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक है, फटाफट जाइए, माई 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए, दादा की टीम को हराइए, क्योंकि अगर आप सौरव गांगुली की टीम को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए पैसे की डबल अमाउंट मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आप यहां पर इस लिंक से जाकर अकाउंट बनाते हैं तो 20% का डिस्काउंट अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आपको इस ऐप की तरफ से मिलेगा, और 1500 रुपए का बोनस इस ऐप की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप अपना अकाउंट बनाते हैं तो मिलने वाला है। बहुत इजी प्रोसीजर होता है दोस्तों, यहां पर आप टीम बना सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसे क्रेडिट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सौरव गांगुली, राशिद खान और शेन वॉटसन इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत सारे लोग करोड़ों रुपए जीत चुके हैं, आप नाम भी देख पा रहे होंगे, फ्लैश हो रहे होंगे। देर मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स को खोलिए, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। साथ ही दोस्तों, इस ऐप में रमी सर्कल का बटन आता है, अगर आप रमी सर्कल की बटन पर क्लिक करते हैं तो आप रमी भी खेल कर अच्छे पैसे कमा सकते हैं, मौके बहुत है, देर मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है बेन स्टोक के हवाले से। बेन स्टोक को लेकर राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट ने बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने साफ कह दिया है कि बेन स्टोक आईपीएल 2020 के लिए कन्फर्म्ड नहीं है। इस बात के कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि स्टोक आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा उनका, क्योंकि वो इस समय न्यूजीलैंड में है, उनके पिता की तबीयत सही नहीं है, लेकिन अब एक तरह से ये कन्फर्मेशन होने लगा है कि शुरुआती मैचेस में तो हमें बेन स्टोक नहीं दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, तो ये भी दोस्तों आईपीएल से ही निकल कर आ रही है खबर है दोस्तों, वुमेन्स आईपीएल से जुड़ी हुई। यूएई में इस साल वुमेन्स आईपीएल को भी रखा गया था और शारजाह के मैदान को तय किया गया है वुमेन्स आईपीएल के लिए। अभी तक वुमेन्स आईपीएल कि टीम का बंटवारा कैसा होगा, कौन सी टीम खेलेगी, ये तय नहीं है, लेकिन 1 से 10 नवंबर के बीच एक्सपेक्टेड ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि शारजाह के मैदान में सारे वुमेन्स आईपीएल के मैच हो सकते हैं। शारजाह में दोस्तों आईपीएल के ज्यादा मैचेस नहीं रखे गए हैं, सबसे कम मैचेस रखे गए हैं, और इसीलिए वुमेन्स आईपीएल के सारे मैचेस हमें शारजाह में होते हुए दिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है सौरव गांगुली के हवाले से।
दोस्तों सौरव गांगुली ने एक तरह से पाकिस्तान के प्रतिरोध का जवाब दे दिया है। पाकिस्तान ने आईपीएल के टेलीकास्ट पर बैन लगाया हुआ है और इस साल भी आईपीएल का टेलीकास्ट पाकिस्तान देश में, पूरे देश में, उनकी कंट्री में नहीं होगा। इसको लेकर दोस्तों पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान है और स्टार स्पोर्ट्स को भी थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन सौरव गांगुली ने इसका एक तरह से बदला ले लिया है क्योंकि एक तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सौरव गांगुली की, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। यहाँ पर दोस्तों सौरव गांगुली जो है शारजा क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे हुए थे, उन्होंने अपनी एक तस्वीर खिंचवाई, तस्वीर के बैकग्राउंड में पाकिस्तानी क्रिकेटर की, फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर की फोटो आ गई, तो उन्होंने उस फोटो को ब्लर कर दिया। साफ है दोस्तों, सीधा संकेत है पाकिस्तान को कि अगर आप हमारा बैन करते हैं तो हम आपका दुबई में भी बैन कर सकते हैं, और ये सीधा संकेत बीसीसीआई अपनी तरफ से दे रहा है, सौरव गांगुली अपनी तरफ से दे रहा है। क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से जहां पूरी देश को, पूरी दुनिया को क्रिकेट और स्पोर्ट्स की जरूरत है, इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग परेशान है, पाकिस्तान ने बैन कर रखा हुआ है, और मुझे नहीं पता कि ये कैसा रवैया है, लेकिन गांगुली ने एक तरह से एक संकेत अपनी तरफ से दे दिया है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की छठवीं बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल के पहले मैच से जुड़ी हुई। गौतम गंभीर ने आईपीएल के पहले मैच पर बड़ा बयान दिया। गौतम गंभीर ने साफ कहा है कि आईपीएल के पहले मैच में मुंबई इंडियंस की टीम के पास अपर हैंड रहने वाला है। ऐसा कहने के लिए उन्होंने दो तीन कारण भी कहे हैं। गंभीर के हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम की तेज गेंदबाजी बहुत अच्छी है जिसका अपर हैंड रहेगा शुरुआती मैचों में। साथ ही गंभीर ने यह भी कहा है कि सुरेश रैना का ना होना सीएसके की टीम को खल सकता है। अभी कितनी बात सही होगी गलत होगी ये मुझे नहीं पता, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपके हिसाब से पहला मैच कौन सी टीम जीत सकती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की सातवीं बड़ी खबर की, तो दोस्तों ये खबर निकल कर आ रही है मुंबई इंडियंस और किंग्स इलेवन पंजाब की टीम से जुड़ी हुई। आकाश चोपड़ा ने मुंबई इंडियंस और पंजाब की टीम की अपनी प्लेइंग 11 जारी की है। आकाश चोपड़ा के हिसाब से दोस्तों मुंबई की टीम में क्रिस लिन को जगह नहीं मिलेगी और पंजाब की प्लेइंग 11 में क्रिस गेल को उन्होंने जगह नहीं दी है। उनके हिसाब से ये दोनों ही प्लेयर्स अपनी अपनी रेस्पेक्टिव टीमों के बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। अब ये आकाश चोपड़ा की राय थी, उनकी प्लेइंग 11 थी। कमेंट बॉक्स में आप अपनी अपनी प्लेइंग 11 में बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि लिन की मुंबई से जगह नहीं बनेगी और गेल की पंजाब में जगह नहीं मिलेगी। अपनी राय दोस्तों जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें जरूर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है दोस्तों आईपीएल में फेक क्राउड और चीयर लीडर्स से जुड़ी हुई। दोस्तों डिजिटली व्यवस्था कर ली गई है बीसीसीआई और स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा कि डिजिटल क्राउड्स को अबू धाबी, दुबई और शारजा के मैदान में बिठाया जाएगा। स्क्रीन लगाई जाने की शुरुआत हो चुकी है और डिजिटली ही चीयर लीडर्स को दिखाया जाएगा। ये पहला मूव है दुनिया के क्रिकेट में जो आईपीएल में हो रहा है, जाहिर है यहाँ पर पैसा ज्यादा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की, तो ये खबर आ रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से जुड़ी हुई। दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद के प्रैक्टिस सेशन की एक वीडियो, एक तस्वीर है बहुत वायरल हो रही है जिसमें वीवीएस लक्ष्मण हेलमेट कैम लगाकर दोस्तों जो है कैप कैम लगाकर प्रैक्टिस करवा रहा है अपने खिलाड़ियों को। वीवीएस लक्ष्मण दोस्तों एज ए मेंटर जुड़े हुए हैं एसआरएच की टीम के साथ और बहुत जरूरी है कि वो तैयारियां करवाएं क्योंकि एसआरएच की टीम में विदेशी खिलाड़ी शुरुआती मैचेस में खेलेंगे नहीं बहुत सारे। चलिए दोस्तों बात करते हैं दिन भर की दसवीं बड़ी खबर की, तो ये आ रही है जोफ्रा आर्चर के हवाले से। बीबीएल बिग बैश लीग के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि जोफ्रा आर्चर बिग बैश लीग से बाहर हो चुके हैं। इस साल का बिग बैश जोफ्रा आर्चर खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसका रीजन दोस्तों अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है और जैसे ही डिस्क्लोज होगा हम आपको बताएंगे। ये तो दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर हमें जरूर फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर आप नाम देख पा रहे होंगे। टेलीग्राम पर जाइए, माई क्रिकेट प्रोडक्शन को सर्च कीजिए, आपको हमारा चैनल वहां पर मिल जाएगा। वहां पर दोस्तों आप हमारे मेंबर्स में बन जाए क्योंकि आईपीएल की हर खबर सबसे पहले आपको वहां मिलेगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।